अरे भगवे में भगवान छुपे हैं मानव तू पहचान, क्या बात है, भगवान छुपे हैं मानव तू पहचान। फाइनली हम लोग का रास्ता क्लियर हो गया और हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी मूविंग है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बस के लिए। बस में अभी बैठेंगे और निकल के जाएंगे, देखते हैं कितने टाइम में आप पहुँचेंगे। अभी यहाँ से भी 120 किलोमीटर है, देखते हैं। सो हम लोग को लेट इसलिए हो रहा है कि अभी जस्ट लैंडस्लाइड हुआ है, वो देखो वहाँ से, और वहाँ से गिर के पूरा यहाँ से ये देखो यहाँ पे। अभी देखते हैं हम लोग को कितना टाइम जाएगा। मूविंग तो है गाड़ी, बट बहुत स्लो स्लो है, एक एक गाड़ी को पास कर रहा है। वहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड हो चुका है, देखो कितनी गंदी तरह। बाइक वाला बेचारा बच गया, उसके ऊपर जस्ट पत्थर गिरा 10 मिनट पहले। उसकी नसीब अच्छी थी, तो बेचारा बाइक के साथ ही गंगा मैया में प्रवेश कर लेता था। हाँ, जस्ट हम लोग के सामने ऐसा बाइक, हाँ बाइक जा रहा था यहाँ से, और वहाँ से पत्थर गिरा, बहुत जोर से गिरा, लैंडस्लाइड हुआ। बट वो बाइक वाला थोड़ा सा आगे निकल गया और वो पत्थर नीचे गया, बस जस्ट बचा हो। सो फाइनली हमारा बस आके यहाँ पे रुक गया है, और यहाँ का नज़ारा भी देखो, जहाँ पे रुके वहाँ का नज़ारा एक नंबर है, मस्त मज़ा देखने लायक है। आप देखो मेरे पीछे, ये दिख रहा है आपको, है कि मौसम भी बहुत अच्छा है। हमने जिस हिसाब से और न्यूज़ में वगैरह बता रहे हैं कि नई बारिश का मौसम है, और उत्तराखंड में केदारनाथ बंद है, कपाट बंद है, बद्रीनाथ बंद है, बट हमने आज देखा कि जैसे ही धूप चालू हुई मौसम एकदम क्लियर हुआ, और यहाँ पे काम व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो लैंडस्लाइड गिरा भी था तो फटाफट लोगों ने काम कर दिया है। हाँ, थोड़ा टाइम लग जा रहा है, अगर आप प्लान करते हो कि 4-5 घंटा लग जा रहा है तो उससे 2 घंटा ज़्यादा ही प्लान कीजिए, क्योंकि अप्रॉक्स 2 घंटा ज़्यादा लग ही जा रहा है लैंडस्लाइड की वजह से। बट आगे का रोड वगैरह क्लियर है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, तो भोले के दर्शन जरूर होंगे। आपको अगर निकलना है केदारनाथ के लिए तो आप सोचिए मत, आप निकल जाइए। थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था तो वो 10-15-20 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ा, उसके बाद ईजिली हम लोग वहाँ से निकल गए। और आपको अगर कभी भी प्लान करना हो तो प्लीज़ प्लान कीजिए, 2-3 दिन एक्स्ट्रा ही प्लान कीजिए। आप सोचेंगे कि हफ्ता भर आपने प्लान किया और उसमें मेरे चारों धाम हो जाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2-3 दिन हर एक धाम के लिए एक्स्ट्रा आप ये पहले से रखिए, क्योंकि उसमें टाइम लग ही जाता है। क्योंकि रात में ट्रैकिंग करेंगे, कल 10 बजे तक नीचे उतरना चालू करेंगे और बद्रीनाथ बाबा को मिलने ट्राई करेंगे। बेसिकली अगर हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं तो रात को ही ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे, अगर लेट पहुंचते हैं तो हम लोग को स्टे करना पड़ेगा। अरे 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 बम बम बोले, बोलो अपने अपने माता पिता की। बीस से 25 किलोमीटर बाकी है, फाइनली। हमें बोला 40 जन हम लोग लाइन में खड़े रहेंगे, क्या सुशील सुशील से बात कर जाके भी बोला मेरे को। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए केदारनाथ। अब यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी जर्नी टू केदारनाथ के लिए, 0-22 किलोमीटर। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब, और आपको दिखाएंगे अलग अलग नज़ारे। सो बने रहिए यहाँ पे, और सुबह के बज रहे 6:30, आपको ले चलते हैं बाबा की दुनिया में, आपको दिखाएंगे पूरे केदारनाथ का दर्शन।
अब यहाँ से ट्रैकिंग के लिए शुरू करेंगे, ये तो फिलहाल गौरीकुंड है, यहाँ से तो धीरे धीरे चलते चलते आपको नज़ारा तो दिखाएंगे। अगर आप सोच रहे हो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आप ऊपर जाने में आपको डिफिकल्टी फील होगी, तो यहाँ पे खच्चर भी जाता है, तो उसका प्राइस समथिंग अब कितना है? 2300 है। हाँ ठीक है, तो अलग अलग आप बार्गेन भी कर सकते हैं। हाँ नेगोशिएबल है, ग्रुप के थोड़े थोड़े ऊपर आएंगे तो आपको खच्चर मिलते जाएंगे। हाँ ठीक है, आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग है वगैरह, किसी को लेना लेके आना चाहते हो आप लोग, तो बिंदास लेके आ सकते हैं। हम लोग तो फिलहाल चल के जा रहे हैं, हमें खच्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते हैं आगे जाके कुछ महसूस हुआ तो, मोस्टली नहीं होगा। जय भोले, भोले का नाम लेते जाओ और चलते रहो। सत्या भाई बाइक के लिए कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे हाथ में लकड़ी है और लकड़ी बार बार डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, तो वो उसमें फंसा रहे। इन लोगों का क्या फीलिंग है, इन लोग से पूछते हैं, सत्या और प्रसाद से ये लोग बताएंगे अपनी फीलिंग यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। भाई ये तो सबके लिए बाबा की नगरी है, मेरे लिए तो मेरे सपनों का शहर है, जो आज तक बस मैं वेट कर रहा था, जिसको मैं जीने जा रहा हूँ लाइफ। अरे क्या बात है, लाइफ एकदम लाइफ। मेरी आँखों से पूछोगे तो वो भी जवाब दे देंगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। बराबर, अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो आपको वो फील होता है, और आपको जो बाबा के लिए जो श्रद्धा है, बाबा का जो फीलिंग है अंदर से, जो आप इतना बोलते हो जय भोले जय भोले जय महाकाल, ठीक है, वो आपको महसूस होगा हर एक बार आप चलते रहोगे तो आपको बाबा का ये महसूस करते रहेगा। वहाँ से गिर रहा है झरना और उसके बीच से पब्लिक जा रही है, और नीचे देख ऐसा क्या फ्लो बना हुआ है, तो ऊपर ऊपर और भी बहुत चीज़ें हैं, देखते रहेंगे। और ये हमारे देखो आप पास में आ गए, क्या मजा आ रहा है, ये होता है भाई लाइफ, लाइफ लाइफ, क्या नेचुरल 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 ब्यूटी। और क्या देख सकते हैं, और ये देखो कितने लोगों का तो सपना होता है केदारनाथ में आना, उसमें से मैं भी एक हूँ, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। बाकी यहाँ पे दो जन और भी है जो कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बट वो लोग यहाँ पे पहुँच गए, और ये इसका तो अलग ही फीलिंग है, क्या ही बोलूँ। बता जरा भाई, अपने घर में मम्मी बहुत पूजा करती थी महादेव की, एक सिक्स स्टैंडर्ड था आई थिंक सो, तभी से मुझे ऐसा घूमने का बहुत ये था, शौक था। हाँ जब मैंने फील किया कि मुझे कहाँ पे सुकून मिलता है, तो घूमने से, जिस चीज़ को पाने के लिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है, वो ये चीज़ है मेरे लिए। किसी भोले जिसको बुलाता है उसको ज़रूर बुलाता है। हम यहाँ फंसे हुए थे, हाँ एक्चुअली कुछ लग नहीं रहा था कि हम पहुँच पाएंगे कि हाँ हाँ, बट हमने जो भोले के प्रति जो श्रद्धा दिखाई हुई है, जो इतना दिन में भोले प्ले हम करते हैं, तो भोले ने भी हमारे लिए रास्ता निकाल दिया। हाँ क्योंकि दो दिन पहले लैंडस्लाइड भी हुआ था, और यहाँ इनके लिए हाई अलर्ट बताया गया था। हाँ तो हम लोग ने होप नहीं छोड़ा था, 101%। हम लोग ने रूम लेके रखा था कि तक यही होप रहता था कि हमें बाबा जरूर बुलाएंगे, यहाँ तक बुलाए तो बाबा अपने यहाँ पे आके किसी को वापस नहीं भेज सकते। अरे भगवे में भगवान छुपे हैं, मानव तू पहचान। क्या बात है, भगवान छुपे हैं, मानव तू पहचान। नकली रंग से कपड़े रंगावे, नकली रंग से कपड़े रंगावे, वो साधु नहीं शैतान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। अरे देखा था मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ, आज रियल देख लिया, अनुभव करना भी काफी अच्छा होता है जिंदगी में।